इंद्री हलके के गांव सारती से जैनपुर जाने वाला रास्ता अधिक बरसात होने के कारण सड़क जमीन में धस गई है। इस सड़क पर आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में सारती गांव के सरपंच विनोद ने बताया कि यहां पर एक पुलिया बनी हुई थी, जिसमें दो पाइप डले हुए थे। उन पाइपों की लीकेज होने के कारण कटाव चलता रहा, जिसके कारण यह सड़क जमीन में धस गई और एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, जिससे इस मार्ग से आवाजाही अभी बिल्कुल बंद हो गई है। किसी बड़े हादसे का अंदेशा भी हो सकता है। उन्होंने इस बारे में प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस मार्ग की कोई सुध नहीं ली। यदि यह कटाव इसी तरह से जारी रहा तो यह कटाव बहुत अधिक हो सकता है और इसमें किसानों की जमीन भी जा सकती है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही सड़क का निर्माण किया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। देखिए, बरसात मतलब इतनी ज्यादा हुई, रात को इतनी बरसात हुई, जैसे ही खेतों का प्रेशर पानी पे पड़ा तो वहाँ एक पुलिया थी, और उस पुलिया से जैसे पानी गुजरता रहा तो बीच में से एक पाइप लीक हो गया। उस पाइप ने धरती काट के एक पाइप नीचे गिरा दिया, और नीचे गिरने से जो है ना, उस सारी पूरी की पूरी सड़क धस गई वहाँ से। तो सुबह प्रशासन को सूचित कर दिया था हमने, अपने जेई हैं जो, और अपने जो SDM साहब हैं उनको भी सूचित किया था, तो सूचना हमने दे दी है। और प्रशासन का अभी तक वैसे कोई बंदा आया नहीं यहाँ तक। पुलिया देखो काफ़ी वर्ष पुरानी है पुलिया, तो ये जब सड़क बनी होगी तभी से पुलिया है, और इसमें जो पाइप लगे हुए हैं वो बिना साकेट के हैं पाइप। अगर साकेट वाले होंगे तो लीक नहीं हो पाता इतना, बीच में से पाइप लीक होके ये सारा का सारा मामला गड़बड़ा गया, और पूरी की पूरी सड़क जो है ना धस चुकी है, और कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ।